अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेवन्थ मैथमेटिक्स में हम चैप्टर सेवन पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेवन है कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें हमने तीन कंडीशंस पढ़ी हुई है और आज है द आरएचएस कन्ग्रुएंस कंडीशन। आज हम इसको पढ़ेंगे और जो और तीन कंडीशंस इससे पहले पढ़ी हुई है उनका रिवीजन करेंगे। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है द आरएचएस कन्ग्रुएंस कंडीशन। द आर एच एस कन्ग्रुएंस कंडीशन क्या है? सबसे पहले जैसे हमने एस ए एस लिखा या एस 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 लिखा, साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल, तो उसी हिसाब से आर एच एस का पहले मतलब देखते हैं, उसके बाद आर एच एस कन्ग्रुएंस कंडीशन क्या है उसको भी समझेंगे। आर एच एस का मतलब यहाँ पे है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब हम इन देखेंगे कि इस कंडीशन में कहा क्या गया है। टू राइट ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, राइट ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ the hypotenuse of one, if the hypotenuse hypotenuse and one side of the one एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल यहां वन क्या है डिनोट करती है ट्रायंगल, वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस and one side of the other two right triangles are congruent। दो right angle triangles जो हैं वो congruent हैं आपस में, कब? If the hypotenuse and one side of one, अगर hypotenuse और एक साइड एक ट्रायंगल का बराबर है किसके, hypotenuse और एक साइड दूसरी ट्रायंगल का। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे जैसे हम यहां पे इसकी फिगर बनाएंगे, ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक राइट एंगल है राइट एंगल एट सी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूस, यहां पे ये 3 सेंटीमीटर है, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे राइट एंगल एट से आर, दिस इज पी, से दिस इज पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। जब हमने कल इसका रूल पढ़ा था, कन्ग्रुएंस का रूल पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर शेप और साइज एक फिगर का दूसरी फिगर के शेप और साइज के बराबर है तो वो दो फिगर्स आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। तो उसी हिसाब से अगर उसी हिसाब से चलें तो यहां पे लिखा हुआ है टू राइट ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दो राइट ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होती हैं, कब? तब जब एक एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस दिस साइड एंड वन साइड, ये हाइपोटेन्यूस और एक साइड बराबर है दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस और एक साइड के, तो ये दो राइट ट्रायंगल्स आपस में
क्या है? कंग्रुएंट है। अब हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या, ट्रायंगल एबीसी ये वाली ट्रायंगल एबीसी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर कब, इफ पहले ही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, हाइपोटेन्यूस ए बी, ये वाला हाइपोटेन्यूस ए बी, ये यहां से यहां तक ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस पी क्यू, और तीसरा एंड साइड ए सी इज इक्वल टू साइड पी आर, ये तीन चीजें जब इसमें होंगी तब ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, आपस में कंग्रुएंट हैं। तो आज आपने ये पढ़ा द आरएचएस कंग्रुएंस कंडीशन जो है, टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स, यहां एक राइट ट्रायंगल, एक एबीसी, दूसरी पी क्यू आर, आर कंग्रुएंट, वो आपस में कंग्रुएंट होती है इफ द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन, अगर हाइपोटेन्यूस और एक साइड एक ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के क्या होगा, बराबर होगा। हम इसमें पहले ही बोल देते हैं राइट ट्रायंगल्स, तो जरूरी बात है, सबसे पहली जरूरी बात इसमें ये है, अगर हम ये बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसमें दो तीन चीजें जरूरी हैं, वो ये है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बिकॉज बोथ हियर एट पॉइंट सी एंड पॉइंट आर दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट सी एंड दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट आर। दूसरा हाइपोटेन्यूस जो हमने ऊपर भी बोला, हाइपोटेन्यूस ए बी बराबर है हाइपोटेन्यूस पी क्यू के, और तीसरी बात साइड ए सी बराबर है साइड पी आर के। तो ये चौथी कंडीशन थी द आर एच एस कंग्रुएंस कंडीशन, और हम इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने चार कंडीशंस पढ़ी कंग्रुएंस की, चार कंडीशंस, पहली उसमें थी एस ए एस कंग्रुएंस, कंडीशन एस ए एस कंग्रुएंस कंडीशन क्या थी, उसमें ये था टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इसमें एस ए एस कंग्रुएंस कंडीशन में क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा हमने पढ़ा ए एस ए कंग्रुएंस कंडीशन, उसमें क्या पढ़ा हमने, उसमें याद रखा हमने टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, दो एंगल्स फॉर एग्जांपल दो एंगल्स यहां होंगे, एक एंगल यहां है एक एंगल यहां है, और इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर, तो एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस कंडीशन यहां से ये भी अपने पढ़ी। तीसरी थी हमारे पास, तीसरी कंडीशन थी एस 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 कंग्रुएंस कंडीशन,
उसमें हमने पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, तीनों साइड, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो वो थी साइड 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 इक्वल टू साइड साइड साइड, हेंस एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि ये साइड बराबर इस साइड के, ये साइड बराबर इस साइड के, और ये साइड बराबर इस साइड के, जब ये तीनों साइड इन तीनों साइड्स के बराबर होंगे तो हम कहते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और चौथा हमने पढ़ा अभी अभी, आपको याद भी होगा, आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। उसमें क्या पढ़ा हमने अभी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या है, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो राइट ट्रायंगल्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है, इफ इफ द हाइपोटेन्यूस इन वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर हाइपोटेन्यूस और एक साइड एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और दूसरे साइड दूसरी ट्रायंगल के बराबर है तो उसे हम कहते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसके अलावा एक चीज जो जरूरी हमने पढ़ी थी कि टू फिगर्स दैट आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप, हम लिखते हैं टू फिगर्स दैट आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट ग्रुएंट फिगर्स। एक तो ये आ गया था, ये भी हमने पढ़ा, और दूसरा पढ़ा था हमने टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो उसमें हमने बहुत टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सारी कंडीशंस जो रिलेटेड हैं इससे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने आइडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये भी कहा कि लाइन, एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट के अगर बराबर है तो उसे हम कहते हैं दिस लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस लाइन सेगमेंट। एक एंगल और दूसरा एंगल, अगर एक फिगर का एक एंगल दूसरा एंगल आपस में बराबर है तो हम ये कहते हैं कि दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और तीसरी बात ये भी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं। और ये चार कंडीशंस हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपने ये बेसिक जो इसमें बुनियादी चीजें जो हैं वो आपने समझ ली होंगी। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।